जय जय भारत। तो दोस्तों आप देख रहे हैं लाइव अमृतसर, मैं हूं आपका दोस्त सफर शुक्ला। तो आज हम बात करते हैं कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एकेडमी के एमडी से, जेपी सिंह से, और जानते हैं कि आखिर चाइना में जो इतना बड़ा बीमारी आई है उससे पूरे इंडस्ट्री एरिया में, जी हाँ, जो ओवरसीज इंडस्ट्री है उस पर क्या क्या फर्क पड़ेगा, उसकी पूरे वर्ल्ड में क्या छाप पड़ती है, और सबसे बड़ा तो ओवरसीज इंडस्ट्री में आखिर चाइना कोरोना कितना फर्क पड़ेगा, तो हम जानेंगे जेपी सिंह से। तो जेपी सिंह जी, आपका स्वागत है लाइव अमृतसर में। तो हमारे दर्शकों को बताइएगा, कोरोना से पूरे वर्ल्ड में कितनी हानि होगी, और अगर कहीं कोरोना से क्या क्या इंडस्ट्री में, ओवरसीज इंडस्ट्री में क्या फर्क पड़ने वाला है। तो सबसे पहले रमेश शुक्ला सफर जी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने लाइव अमृतसर पे मुझे मौका दिया बोलने का। चाइना में जो कोरोना वायरस आया है, तो बड़े दुख की बात है, क्योंकि किसी भी देश के अंदर कोई बीमारी फैलती है और जब लोगों की मौत होती है तो ये दुख जताना चाहिए हमें भी, हमें भी इस चीज का दुख है। बट चाइना एक ऐसी इंडस्ट्री है कि 55% लोग, जो 55% स्टूडेंट हैं चाइना के, जो अब्रॉड में पढ़ने के लिए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूएसए, यूके। आज की डेट में हर एक कंट्री ने चाइनीज एयरलाइन से लेके चाइनीज लोगों को अपने देश में आने पे पाबंदी लगा दी। सबसे अहम कारण है कि ये वायरस इतनी बुरी तरह से फैलता है कि एक दूसरे से बात करने में भी, जब मेरी सांस आपके मुंह में ट्रांसफर होगी तो ये वायरस इस तरह शिफ्ट हो जाता है। रिसेंटली सिंगापुर में एक बहुत बड़ी मीटिंग थी बिजनेस, जिसके अंदर चाइनीज लोग थे, और वहां से भी जो है वो वायरस दूसरे लोगों में शिफ्ट हो गया। जब वो अपनी होम कंट्री में गए तो उनका वहां मेडिकल हुआ, तो उनके अंदर भी वो कोरोना वायरस, जो एक खतरनाक जो बीमारी है, उनके अंदर शिफ्ट हो गई। आपका जो प्रश्न था कि इसका बेनिफिट क्या होगा, लॉस क्या होगा, देखो चाइना के लिए बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि जब एक कंट्री की एयरलाइंस, जो फ्लाइट्स दूसरे मुल्कों में जाती है, तो उस पर पाबंदी लग गई है, ठीक है, और स्टूडेंट को बैन कर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो कम से कम $8 मिलियन का जो है ऑस्ट्रेलिया का लॉस हुआ है, क्योंकि जिन बच्चों के ऑस्ट्रेलिया में वीजे लगे थे उनको भी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया कि अपनी फीस वापस ले लो। कारण ये है सफर जी, क्योंकि आज की डेट में हर कोई कंट्री ये चाहती है कि उनका देश सुरक्षित रहे, कोई भी बीमारी वहां पे ना फैले। चाइनीज स्टूडेंट को ऑस्ट्रेलिया में बैन कर दिया गया, और दूसरी अदर कंट्री ऑस्ट्रेलिया में बैन कर दिया गया है, न्यूजीलैंड में बैन कर दिया गया है। हर जगह पे उनपे ऊपर पाबंदी लग रही है इस बीमारी की वजह से। 55% लोग जो चाइना से अब्रॉड जाते हैं, 55% बहुत बड़ी, मतलब $1 बिलियन का ये बहुत बिजनेस होता बड़ा है, व्यापार है बहुत बड़ा व्यापार है। तो इस सभी देशों को बहुत बड़ा झटका लगा है। बट इसके विपरीत अगर बात करें, दूसरे भारत को क्या फायदा होगा, अब कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को जो चाइना के स्टूडेंट अपने देश में बुला के बेनिफिट होना था वो तो खत्म हो गया। अब उसके विपरीत इंडियन स्टूडेंट को वीजा की तादाद बढ़ गई, तो हमारे जो वीजा की तादाद है वो बहुत बढ़ गई है। आपके माध्यम से सभी को यही मैसेज देना चाहूंगा कि अगर आपका स्टडी में गैप है, कनाडा जाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, किसी भी देश में जाना चाहते हैं, तो ये बड़ा राइट समय है। हालांकि ये दुख की बात है कि चाइना में ऐसी त्रासदी आई है, हमें उनके दुख में शरीक होना चाहिए, बट अब जो पूरे वर्ल्ड का जो बिजनेस है ओवरसीज एजुकेशन का, सबसे बड़ी दो ही कंट्री है दुनिया में, एक चाइना और एक भारत। अब चाइना को तो पाबंदी लगी, 55% बिजनेस वहां से उठता वहां से था, उठ जाता है। 35% इंडिया से उठता था, अब 10-15% पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से जाता था बिजनेस। अब वो सारा बिजनेस जो है वो चाइना का स्टॉप हो गया है, और इंडियन के लिए बड़ा राइट मौका है इस टाइम पे। आप अगर दुनिया की किसी भी कंट्री में जाना चाहते हो, आपका वीजा रिफ्यूज हो रहा है, आपका स्टडी में गैप है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, इस समय पूरे वर्ल्ड की जो भी एम्बेसी है, जो हाई कमीशन है, बड़े लीनियंट हुए हैं, बड़ा राइट समय है वीजा अप्लाई करने का। आप अपना विदेश जाने की,
इच्छा जो है वो पूरी कर सकते हैं। जी जी किशन जी, जैसे आपने कहा विदेश जाने की इच्छा, तो वैसे ये राइट टाइम भी है क्योंकि अभी वहां पे आप अप्लाई करेंगे, भी फाइल आएगी तो अक्टूबर नवंबर तक आप चालू, तो ये राइट टाइम है। और कहीं ना कहीं उन अधिकारियों के पास भी मौका रहता है, समय रहता है, तो चाहे ये अवसर चलो अब मिला, जैसे आपने बताया चाइना में कैरोना की वजह से ज्यादा यहाँ इस समय फिलहाल वैसे टाइम यही ज्यादा सही रहता क्या? क्योंकि कोरोना वायरस आने से 55% जो बिजनेस दूसरे देशों में शिफ्ट होना था वो स्टॉप हो गया। स्टॉप हो गया जिन बच्चों के वीजा लगे उनकी भी उन्होंने फीस रिफंड कर दी। जी अब मान लो आज आपके पास, आप बिजनेस करते, आप यूनिवर्सिटी चला रहे हो, तो आपके पास कम से कम 200 बच्चों की फीस, एक बच्चे की 20-20 हज़ार डॉलर फीस आई हो, आपको वापस उनको करनी पड़े, तो आप खुद ही समझदार रहे कि एकदम से सारा आपका जो बजट है वो हिल जाएगा। सो अभी वो लोगों ने फोकस इंडिया पे कर लिया। हमारे पास डेली बेसिस पे यूनिवर्सिटी की मेल आनी शुरू हो गई है कि हम और एडमिशन देंगे, इंडिया से और बच्चे लेंगे, क्योंकि बिजनेस का बहुत बड़ा लॉस हो गया। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया में आपको पता है कि जंगलों में कुछ दिन पहले बहुत बुरी तरह आग लगी थी, बहुत जो है वो करोड़ों डॉलर का लॉस जो हो चुका है। तो ऑस्ट्रेलिया भी कहीं ना कहीं अपना जो घाटा हुआ उसको पूरा करना चाहता है। अब कोरोना वायरस आने से बिलियन डॉलर का लॉस हो गया एजुकेशन इंडस्ट्री का, तो वो सारा लॉस जो है उनका फोकस इंडिया में है। तो इंडिया से ज्यादा बच्चे इस समय अपना वीजा अप्लाई करें, क्योंकि ये बड़ा राइट समय है। अगर आप विदेश में किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं, और बहुत ही ये राइट समय है, इस समय का फायदा लेके आप अपना विदेश में घूमने जाना, पढ़ने जाना है, तो जो भी आपके मन की तमन्ना है, ये बड़ा राइट समय है वीजा अप्लाई करने का। बिल्कुल, लाइव अमृतसर के दर्शकों को ले जाना, जेपी सिंह ने बताया। सबसे बड़ी बात हम इनसे ये जानेंगे, आप वीजा एक्सपर्ट हैं, तो वीजा एक्सपर्ट हैं तो ये बताइए, आजकल जो फंस जाते हैं लोग और वो गलत हाथों में फंस जाते हैं, ऐसे लोग कैसे बचें और कैसे किन किन लोगों के बचा जा सकता है, कुछ सुझाव हमारे दर्शकों को देंगे? सबसे पहले जब भी आप किसी कंपनी की चोन करते हैं अपनी फाइल लगाने के लिए, तो उसका जो पंजाब सरकार की तरफ से लाइसेंस है उसको जरूर चेक करें। दूसरा, उस बंदे का तजर्बा देखें, उनका फेसबुक पेज और यूट्यूब पेज चेक करें कि उस बंदे ने कितने लोगों को अब्रॉड भेजा। कोई ऐसा नहीं कि देखो देखी, बहुत सारे लोग रियल स्टेट का बिजनेस करते थे, रियल स्टेट का बिजनेस ठप होने के बाद ओवरसीज एजुकेशन इंडस्ट्री में आ गए, क्योंकि उनको लगता है कि ये यहाँ से पैसा कमाना बड़ा इजी है। बट ये इजी काम नहीं है, क्योंकि जब तक आपको किसी भी चीज की नॉलेज नहीं होगी आप नहीं कर पाओगे। तो अब आपको पत्रकार तक का की नॉलेज है, आप पत्रकार ही बन सकते हैं। अब मुझे वीजा की नॉलेज है, मैं वीजा का काम करता हूँ। सो जब तक किसी भी चीज में आपको लाइफ में सक्सेस होना है, उसकी डीपली नॉलेज नहीं होगी आप सक्सेस नहीं हो सकते। सो जिस भी कंपनी से फाइल लगा रहे हो उसका लाइसेंस चेक करो, एक्सपीरियंस चेक करो। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर आप कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एकेडमी से फाइल लगाना चाहते हैं विदेश जाने के लिए, तो हमारी कंपनी का एक ही वादा है कि अगर वीजा लगेगा तो हम पैसे लेंगे, अदरवाइज कुछ भी नहीं लेंगे। क्योंकि अगर आपको खुशी नहीं मिलेगी तो हमें भी खुशी, हम भी खुशी लेने के हकदार नहीं है। हम आपको खुशी देंगे तो तभी हम खुश रह सकते हैं, क्योंकि जब तक आपके पास वीजा नहीं आएगा हम फीस लेने के हकदार नहीं। क्या बात है, जब तक वीजा नहीं तब तक पैसा नहीं, तो ये जॉय जेपी सिंह ने, डायरेक्टर जेपी सिंह ने कहा, बहुत अच्छी बातें बताई। सबसे बड़ी बात है इन्होंने कोरोना के बारे में बताया और भारत के बारे में बताया, अर्थव्यवस्था के बारे में बताया, सब कुछ पोल खोल कर रख दिया और ऐसे लोगों की भी पोल खोल दी जो जो रजिस्ट्रेशन नहीं है और बाहर विदेश भेजने के नाम पर पैसा कमाते हैं। तो आप हमारे साथ, हमने बातचीत की, मैं कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एकेडमी के एमडी और वीजा एक्सपर्ट जेपी सिंह का धन्यवाद करता हूँ। सबसे बड़ी बात आखिर मैं आपसे यही पूछता हूँ कि ये बताइए कि लोग ज्यादातर वीजा वहां पे अगर लगवा रहे हैं, जा रहे हैं, तो पंजाब में यूज कहाँ बचेगा? ये भी एक चिंतन करने का विषय है कि आज की डेट में पंजाब में कोई भी नौजवान रहना नहीं चाहता। रीजन बिहाइंड, एक तो सिस्टम जो है हमारे देश का, आज की डेट में जिसके पास पैसा है, पावर है, वही आगे बढ़ रहा है। जो एजुकेटेड लोग हैं या उनके पास पैसा नहीं है या उनकी पावर नहीं है, वो इस सिस्टम से उनका दम घुट रहा है। आज नौजवान जो जो बच्चे पढ़ाई करके बाहर निकल रहे हैं वो इस सिस्टम से परेशान हो चुके हैं, जॉब्स नहीं है। अगर एक बंदा एमबीए पास है या बीटेक करी है, उसको हार्डली 10-10 5 हज़ार की जॉब से ज्यादा कोई पैसे मिलते नहीं है। सो
हर कोई बंदा लाइफ में सक्सेस बनना चाहता है, अच्छे पैसे कमाना चाहता है, अपने ड्रीम पूरे करना चाहता है। तो आज की डेट में जो है लोग अब्रॉड जाने की और ज्यादा रुख कर रहे हैं, क्योंकि अगर वहां पे हम 7-8 घंटे मेहनत करते हैं तो आपको वीकली एक पैसे मिलने की उम्मीद है, जिससे आप अपने ड्रीम पूरे कर सकते, आप अपने माँ बाप के सपने पूरे कर सकते, अच्छा घर बना सकते वहां से पैसे कमा के, क्योंकि वहां से डॉलर आने हैं और 1 डॉलर की कीमत 55, अगर कनाडा का 1 डॉलर आता तो इंडिया में 55 रुपए बन जाते हैं। तो एक +2 पास बच्चा इजीली 1.5-2 लाख रुपया वहाँ पढ़ाई के साथ साथ काम करके कमा रहा है। तो इसलिए मतलब बच्चों में होड़ लगी विदेश जाने की, और विदेश जाके एक अच्छी लाइफ मिलती है उनको, तो इसलिए ज्यादातर लोग जो हैं वो विदेश जा रहे हैं। और दुख की बात ये है कि किसानी जो है वो खत्म हो रही है। सो हमारे जो खेत, जहाँ पंजाब को सोने की चिड़िया कहा जाता था, सो ये खेत जो है कॉलोनियों में कन्वर्ट हो गए। तो जहां पे आपको फसलें लहराती नजर आती थी, अब वहां पे क्या है, कॉलोनियां बन गई हैं, वहां पार्क बन गए हैं। ठीक है, तो वेरी सून मुझे नहीं लगता कि पंजाब में खेती योग्य कोई जमीन बचे, और हमारे देश की सरकारों को सोचना पड़ेगा कि एक पंजाब ही एक ऐसी स्टेट है जिससे पूरा देश जो है वो अनाज खाता है। ठीक है, क्योंकि पंजाब में अगर खेती खत्म हो गई तो अनाज कहाँ से आएगा, ये क्या बात बड़ा है चिंता जी, वाला विषय है। बहुत बड़ी बात है कि अगर पंजाब में खेती नहीं होगी तो आखिर अन्न कहाँ से आएगा। और ये एक ऐसे व्यक्ति ने आपको बताया है, अमृतसर के दर्शकों को बताया है कि जेपी सिंह जी ने बताया, और ये वीजा एक्सपर्ट है, और हजारों लाखों लोग इनसे अब तक वीजा एक्सपर्ट के बारे में इनसे राय ले चुके हैं। सबसे बड़ी बात कि इन्होंने आज तक जो जो वीजा एक्सपर्ट के तौर पे बताया, कानूनी तौर पर बताया, और सबसे बड़ी बात है कि इनके दिए गए सुझाव पे चलते हुए लोग आज विदेशों में ऐश कर रहे हैं और मालो माल हो रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं लाइव अमृतसर पर, ये खास मुलाकात। अगली बार और किसी शख्सियत के साथ हम हाजिर होंगे, तब तक हमें दीजिए इजाजत। आपका दोस्त सफर शुक्ला, जय हिंद, जय भारत।